माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, अपनी सादगी और गांधीवादी मूल्यों के लिए पहचाने जाने वाले माननीय गहलोत जी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी बहुत लंबी है और पूरा देश जानता है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, स्पीकर लोकसभा माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरबंस सिंह जी, हमारे माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सी पी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया जी, यहाँ पधारे हुए तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सचिवगण और तमाम अतिथिगण, तमाम मेरे उपस्थित यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से, जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में था तब भी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसा सी वी जोशी जी ने कहा, ये भी हमारा सौभाग्य है कि पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा व विधान राज्यसभा दोनों के जो है, दोनों के चेयरमैन और हमारे स्पीकर दोनों राजस्थान के हैं और दोनों जो है, ये भी सुखद संयोग है, दोनों जो है राजस्थान विधानसभा के मेंबर भी रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। दोनों अनुभवी हैं, दोनों के विचार हम सुनेंगे और दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा होगी। खुशनुमा माहौल के अंदर राजस्थान के जो मेजबानी है वो भी अपने आप में हमेशा अपना स्थान रखती है। उसी ढंग से मैं समझता हूँ कि जो आप महसूस करते हो, अभी सी पी जोशी जी ने भी अपना अनुभव बताया आपको, सी पी जोशी जी अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी नेता है हमारे, विधानसभा स्पीकर के रूप में भी, मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री रहे तब भी, जहाँ भी इनको जिम्मेवारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। ये भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इनके वक्त में जो नवाचार हुए हैं, वैसे तो एक से बढ़ के एक स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के, रामनेर मिर्जाजी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत ही हाई रेस्पेक्ट था उनका पूरे देश के अंदर, पर बाकी जो भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अपनी भूमिका अदा करी। पर जो नवाचार किए हैं जिस प्रकार से इस टर्म के अंदर, मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने पहली बार 1952 के बाद की जो प्रोसीडिंग थी उस सबको ऑनलाइन करना, डिजिटलाइजेशन करना, बात सभा तक आयोजन किया, यहाँ पर बच्चों को बुला करके उनको भी बताया गया कि वास्तव में हम लोग करते क्या है असेंबली के अंदर। पूरे प्रदेशवासी बहुत खुश हुए, यहाँ आप जो बैठे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विभाग बांटे गए, एमएलए बने, बच्चे
बहुत अच्छा नवाचार किया था और इन्होंने अभी मुझे श्रेय दिया कि मैंने यहाँ पर एमएलए फ्लैट बना रहे हैं। कौशन क्लब जो दिल्ली में है उसी ढंग का कौशन क्लब जयपुर बन रहा है, श्रेय तो मुझे दिया। परंतु हकीकत यह है कि बगैर इनके जो इनकी अगर वो भावना इनकी नहीं होती, शायद ये काम जो है जिस तरीके से काम संपन्न होने जा रहे हैं शायद वो नहीं होते। आज शानदार एमएलए साहबान के लिए फ्लैट बन रहे हैं, कौशन क्लब बन रहा है और सबसे बड़ी बात म्यूजियम बना है यहाँ पर। आज़ादी के बाद जितने हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, उन सब के यहाँ पर उन सब का म्यूजियम बहुत शानदार ऐतिहासिक बना है। ये तमाम हमारे स्पीकर साहब के कारण संभव हुआ। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, जब से मैं पार्लियामेंट में आया था 80 के अंदर तब से देखता हूँ और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के अंदर जिस रूप में संविधान बना था, संविधान की मूल भावना थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वक्त से ही और शुरुआत अच्छी हुई थी। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने प्रथम तो उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लिए गए, आर के षणमुखम शेट्टी लिए गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए गए। शुरुआत